Hi guys, welcome back to our YouTube channel Techiebeez. फ्रेंड्स, अगर आप एक प्रोजेक्टर लेने की सोच रहे हैं लेकिन स्पेस की प्रॉब्लम आपको ऐसा करने से रोक रही है, तो आज मैं आपके लिए उसका समाधान लेकर आई हूँ। एक ऐसी प्रोजेक्टर स्क्रीन लाई हूँ जो आपके स्पेस की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगी। इससे पहले कि हम ये वीडियो शुरू करें, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें, ताकि हमारी वीडियो या कोई अपडेट के आते ही आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। ये है इनलाइट की प्रोजेक्टर स्क्रीन। ये इस तरह की अच्छी पैकिंग में आप तक सिक्योरली पहुंचाई जाती है। चलिए हम इस पैकेज को खोल कर देखते हैं। गाइस, ये है इनलाइट कंपनी की मैनुअल पुल डाउन 7x4 प्रोजेक्टर स्क्रीन। डायगनली ये 92 इंचेस की है और इसका स्क्रीन रेशियो 16:9 है। दोस्तों, हमें अगर बड़े साइज की मूवी देखनी है तो वो हॉरिजॉन्टली ज्यादा स्पेस लेती है, जैसे सिनेमा स्कोप मूवीज। इसलिए हमें होम थिएटर के लिए 16:9 रेशियो की ही स्क्रीन लेना चाहिए। जो स्क्वायर शेप में स्क्रीन होती हैं, उन्हें ज्यादातर ऑफिसेज में प्रेजेंटेशन देते वक्त इस्तेमाल किया जाता है, या फिर स्कूल कॉलेजेस में कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाते समय यूज में लाया जाता है। ये स्क्रीन आपका ज्यादा स्पेस नहीं लेती और एक ब्रॉड रॉड की तरह वॉल पे नीटली हंग रहती है। जब आपको प्रोजेक्टर यूज करना होता है, तब आपको सिर्फ इन हुक्स को दोनों ओर से पकड़कर पुल डाउन करना है। मैंने यहाँ दो स्क्रूज लगाए हुए हैं। आप इन हुक्स को इसमें लॉक कर सकते हैं ताकि ये एकदम तनी रहे। और जब आप प्रोजेक्टर यूज नहीं कर रहे होते हैं, तब आप इसे इन स्क्रूज से अनहुक करके छोड़ दें। वो वापस अपने आप रोल होकर उसी रॉड में ऊपर चली जाएगी। इसमें कंपनी ने स्प्रिंग मैकेनिज्म दिया है। इस स्क्रीन से आपके इंटीरियर्स में भी कोई क्लटरिंग नहीं दिखती। ये स्क्रीन नीटली रोल होकर इस बॉक्स में कंसील हो जाती है। अब बात करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की। तो इनलाइट के सभी प्रोडक्ट्स काफी अच्छी बिल्ड क्वालिटी और आफ्टर सेल सर्विसेज के साथ आते हैं। ये स्क्रीन हाई ग्रेड A2PF5+ फैब्रिक से बनाई गई है। आगे की ओर ये व्हाइट है। साइड्स में चारों तरफ ब्लैक लाइनिंग दी गई है ताकि आपको पिक्चर कंट्रास्ट अच्छा मिले। पीछे की ओर इस पे ब्लैक कोटिंग की गई है ताकि अगर आप इसे किसी विंडो या ऐसे स्पेस पे हैंग करते हैं जहां पीछे से लाइट आ रही है, तो ये ब्लैक कोटिंग उस लाइट को इस स्क्रीन के थ्रू पेनेट्रेट नहीं होने देती, जिससे पिक्चर क्वालिटी पे उसका इफेक्ट नहीं पड़ता। ये स्क्रीन यूवी कोटिंग के साथ आती है जो वीडियो देखते समय आपकी आईज को प्रोटेक्ट करती है, कोई स्ट्रेन नहीं आने देती। अगर आप प्लेन वॉल पे इमेजेस प्रोजेक्ट करते हैं तो पिक्चर का कलर रिप्रोडक्शन, ब्राइटनेस, शार्पनेस सब इफेक्ट होता है, लेकिन जब वही इमेजेस आप एक अच्छी स्क्रीन पे प्रोजेक्ट करते हैं तो पिक्चर ब्राइट होती है अच्छे कलर रिप्रोडक्शन के साथ। आप इस पे 4K फुल HD या फिर 3D मूवीज भी देख सकते हैं। ये इम्पोर्टेड मटेरियल से बनी है, इसे आप क्लीन भी कर सकते हैं, उससे ये खराब नहीं होगी। चलिए अब मैं आपको इसका परफॉर्मेंस चेक कराती हूँ। ये बीबी ब्राइट का GP100 प्रोजेक्टर है, जिसे मैंने बैंगलोर से लगभग 10-11 हजार में मंगवाया है। इस पे मुझे कोई कस्टम्स ड्यूटी नहीं देनी पड़ी है। मैं आपको इस प्रोजेक्टर का इनलाइट की इस स्क्रीन पे परफॉर्मेंस दिखाती हूँ। कुछ लोगों ने मुझसे इस प्रोजेक्टर की बेस्ट सेटिंग्स के बारे में पूछा था, तो उनके लिए मैं यहाँ पर सेटिंग्स डिस्प्ले कर देती हूँ। आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। इस प्रोजेक्टर का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। अगर आप ये स्क्रीन और ये प्रोजेक्टर ले लेते हैं, तो आप एक बड़ी स्क्रीन पे अपने सेट टॉप बॉक्स के थ्रू मूवीज या चैनल देख सकते हैं। कम बजट में भी आपके पास एक बड़ा सिनेमा हॉल आ जाएगा। मेरे पास 65 इंचेस 4K टीवी है, लेकिन मुझे इसकी बड़ी स्क्रीन पे प्रोजेक्टर के थ्रू मूवीज और टीवी प्रोग्राम देखना ज्यादा अच्छा लगता है। ये 16:9 रेशो वाली मैनुअल पुल डाउन इन लाइट स्क्रीन तीन साइजेस में आती है, 92 इंचेस, 106 इंचेस और 120 इंचेस। आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग स्क्रीन खरीद सकते हैं। मैंने इसकी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। आप अमेजोन इंडिया से इसे खरीद सकते हैं। इसका प्राइस 3,799 है। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीवी ब्राइट GP100 प्रोजेक्टर के वीडियो की लिंक और उसकी परचेज लिंक भी दी है। आप उसे बेंगलुरु से परचेज कर सकते हैं।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।